जब घर में कोई आया हो तो स्कूल जाने में बच्चों को दीवार बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, तो कुछ ऐसा ही इसके साथ से भी स्कूल जा होता रहा है। है। ओहो, अब आज तो बोर हो जाएंगे सभी लोग। अरे वाह वाह, गुड, खाओ खाओ फटाफट। देखो स्कूल जाने के नाम पर कोई खुशी नहीं चेहरे पर, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। आज दद्दा लोग हैं घर में और इसे स्कूल जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कितने बजे आज होगी? तो नहीं, 2 बजे आएगा। 2 बजे आएगा। ये सब यहाँ पे रोड पक्की बनने वाली है, चौड़ी रोड यहाँ पे बन जाएगी फिर गाड़ी जाने के लिए। और इधर देखिए, साजी बोल रही थी ना मैं, जो लोग जमीन खेती करते हैं, जो जमीन कमाते हैं, ये लोग तो करते नहीं है खेतों का काम, तो यही लोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जमीन में ही कहीं पर एक जगह पर अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर रहते हैं और खेती भी करते हैं और अपनी जॉब भी करते हैं साथ ही साथ, कुछ एक्स्ट्रा जॉब भी कर लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। कहीं यहाँ क्रेशर में दुनिया भर का काम मिल जाता है लोगों को। क्रेशर है ना, यहाँ पे स्टोन क्रेशर, जहाँ पे रेता बनता है, पत्थरों से रेता बनता है, वो है यहाँ पे। तो उसमें ये लोग जॉब कर लेते हैं। इधर फैक्ट्रियाँ हैं और भी फैक्ट्रियाँ हैं उधर पे। ये हमारी साइड बोलते हैं इसको पल्ले फार्म, वो उस साइड का जो एरिया मकान दिख रहा है वहाँ पे पल्ले फार्म का एरिया है वो सारा। एक घर यहाँ पे है, एक घर वहाँ पे है। ये देखिए घास काट रहा, नहीं इसने गाय पाल रखी है, ये भी साची है। और ये नहर है सिंचाई के लिए, इसी पानी से सिंचाई होती है यहाँ पे, नहर में पानी आता है इसी से सिंचाई होती है। एक कटहल का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे, देखिए इन्होंने। वो देखिए, वो उनका साजी है, जो जिसके खेत में जिसकी झोपड़ी होगी उसका साजी होगा। ये मेरे चाचा लोगों का क्या है, ये और मेरे भाई का, सबका एक साथ ही कमा रखा ना इन लोगों ने, तो एक साथ ही घर बना रखे हैं, एक जगह पे बना लिया और सभी का देख लेते हैं। धान तो ऐसे लेट गए, बिल्कुल पतला धान है ना, यहाँ पतला ही लगाते हैं, मोटा कम लगाते हैं। इधर खाने के लिए पतला ही लगाते हैं, बेचने के लिए मोटा धान लगाते हैं। पूरा लेट रखा है, देखो हवा आने से लेट गया ना पूरा धान, उनका भी लेट रखा है। यहाँ ठीक है ऊपर को, यहाँ पे सब चाचा ही लगते हैं, नीचे वाले भी चाचा लगते हैं, थोड़ा दूर के लगते हैं, ऊपर वो चाचा लगते हैं, यहाँ पे दादा लगते हैं मेरे, मैंने उनको भाई बना रखा है। ये देखिए, ये है जो मेरे पापा की जमीन है, मेरे भाई की मतलब, जो कि इधर से है, ये वाला लास्ट तक, वो लास्ट में घर दिख रहा है वहां तक है, लास्ट में जो घर दिख रहा है लंबाई में है ये सारे। और उनके बगल में ऐसे चाचा लोगों का, फिर नेक्स्ट चाचा, फिर नेक्स्ट चाचा, तीन चाचा है मेरे। और ये गाड़ियाँ भी, दो मेरे कज़िन की हैं, दो मेरे दूसरे कज़िन की हैं, ये वाली हमारी है, मतलब मेरे भाई की है, ये मेरे भाई ने लिया है। तो यहाँ पे डंपर ही लेते हैं ज़्यादातर लोग, इसी से इनकम है ज़्यादा, खनन से। ये मेरे कजिन है, उनका है ये गार्डन, आम आम का बगीचा। और ये वाला यहाँ से वहाँ तक सामने मेन मेरे भाई का, ये है घर। ये वाला मेरे भाई का, उसके बगल वाला चाचा लोगों का, फिर ये चाचा लोगों का, फिर वो नीचे वाला, ये वाला है मेरे सबसे छोटे चाचा का। यहाँ से धुंध हो रही पूरी, नहीं तो पहाड़ साफ दिखाई देता है। अभी कोहरा लगा होगा ना पहाड़ों में, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा पहाड़। नैनीताल भी यहाँ से साफ दिखाई देता है, जब नैनीताल में बर्फ पड़ती है ना, यहीं से दिख जाती है, पूरा वाइट वाइट पहाड़ों के ऊपर दिखता है।
अभी यहाँ रोड बनने वाली है। हाँ बच्चे ठीक है, दिन में आऊंगी मैं, परसों आई हूँ। तेरा नाम कविता है? इसने अपनी गाड़ी यहाँ रख रखी है, इसका गैराज है। पहले ये इनका भूसे का कमरा था, यहाँ पे गाय भी रहती थी, अब इन्होंने सब हटा दिए हैं, गाड़ी रखी है, गैराज बना दिया। ये है सीताफल का पेड़, शरीफा बोलते हैं ना, शरीफा, सीताफल भी बोलते हैं हमारे यहाँ, शरीफा भी बोलते हैं, हम तो शरीफा ही बोलते हैं। ये है मेरे सबसे छोटे चाचा चाची का घर, और चाचा जी मेरे काफ़ी सालों से बीमार हैं, 10-12 साल से ऊपर हो गए हैं, बिस्तर पे ही रहते हैं, इनको लकवा हुआ था तो तब से बिस्तर पे ही रहते हैं, और बिस्तर पे खाना पीना सब कुछ रहता है। और चाची करती हैं, चाची भी शुगर के पेशेंट हैं, ये भी बीमारी रहती हैं। इनकी बेटा, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई है, बहू है और एक नाती है, तो वही लोग देखभाल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं चाचा जी, और खाना वाना भी नहीं खाते हैं, ये काफ़ी कम खाते हैं अभी, और बहुत बुरा लगता है देख के। तो थोड़ी देर हालचाल लेने के बाद फिर मैं गई घर पे वापस, तो हार्दिक जा रहा है स्कूल। स्कूल जा ले बाबू, हार्दिक हार्दिक, स्कूल कैसा लग रहा है? स्कूल जाने में अच्छा लग रहा है? अरे चेंज तो लगाओ, कोई वीडियोग्राफर बुला। अरे ठंडा वाला गिरा सकते हैं। सेकंड वाला आले, अंशु भी जाली, बाय कर दे। अंशु कहाँ जाली? अंशु बाय कर, तू भी बाय कर, बाय। आके बताएगी ठीक है कौन सी क्लास हो रही है, जाएंगे जरा। वो ये देखो, ये गेहूं धो रही है, ये इतनी कामदार बहू है, ये काम ही कर, नाश्ता करना है इसमें बस, ये सुबह 4 बजे उसके काम करने में शुरू हो जाती है, ये तो 4 बजे से उठ के शुरू हो जाती है। मैं आराम से ऐसे बोलती हूँ जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्लैरिटी तो है, मतलब थोड़ा सा ये ना, थोड़ा सा तेज, हल्का सा बोलूं, तेज अपना वॉइस। कई लोगों ने बोल दिया मेरे से आवाज तेज नहीं आती है करके, सुनाई नहीं देता। हाँ, हम कितनी बोले बाद देते ना, नहीं आती है। अरे वॉइस ओवर करने में मुंह नहीं मिलता ना, लिप्स भी तो मिलने चाहिए, लिपसिंग नहीं होती मेरे से पे दोबारा। हो गया ऐसा पानी, कहाँ हो गया, अभी करते हैं। किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, बाद में भी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो देख आ गई, आ गई गैया, गेहूं खाई। लोग कम हो गए ना, लोग अब कम मिल रहा है, मतलब कम काम करता है वो, लिमिटेड है उसका काम। क्या लुल्लू मॉल के उसमें, उसने बाद में लुल्लू मॉल खोला उसने, कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा पहले वो वाला काम होगा उसका। अच्छा अच्छा अब हमारी चल रही कुछ पर्सनल बातें, क्योंकि इसके मामा जी भी लखनऊ में ही हैं, तो यहीं के बारे में बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।